बीच सड़क पर कार धुंधू करके जली। खबर है चंदौली से, जहां पर बीच हवाई पर एक कार में अचानक आग लगने से कार जलने लगी, जिससे पूरे हवाई पर कोहराम मच गया और कुछ ही देर के लिए हवाई पर गाड़ी रुक गई। जानकारी के अनुसार हसन अली निवासी रांची अपने पत्नी के साथ अपने निजी काम से लखनऊ किसी काम से गए थे और अपने काम पूरा करके रांची वापसी लौट रहे थे कि चकिया तरह के पास हवाई पर उनकी गाड़ी का क्लच काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी में आग देकर सवार लोगों को उतारा, जिसके तुरंत बाद गाड़ी पूरे द्रुत गति से जलने लगी। हसन व आसपास के लोग आग पर भरपूर काबू करने लगे, कोशिश किया लेकिन आग पर काबू होते ना दिखे। पुलिस की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस के माध्यम से फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। बाइट हसन अली बाइट आलिया, चंदौली से रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। मेरा नाम हसन अली है और मैं काकी रोड रांची का रहने वाला हूँ। कहाँ से इधर जा रहे थे अभी? अभी हम लोग आ रहे थे लखनऊ से और रांची जा रहे थे और बस गाड़ी का क्लच अचानक से काम करना बंद कर दिया। मैंने डिक्की हल्का से उठा के देखा तो वो देखा आग निकल रहा है। मैंने सबको निकाला, सारा सामान निकाला और डिक्की तो दूसरी बार में तो वो खुला ही नहीं, मतलब वो लीवर भी काम करना बंद कर दिया। तो जितना पानी डालना था, जो करना था, हम लोगों ने कर लिया और अपनी गाड़ी को हमने नहीं बचा सका। इस गाड़ी का इंश्योरेंस है? हाँ, गाड़ी का इंश्योरेंस। अपना नाम और पर्चे बताएं। मेरा नाम आर्या फारूकी है, हम रांची से लखनऊ के और आप लोग बाल बाल बच गए एकदम? उसके बाद आपने किसी को सूचना दिया?